12 साल। कितने साल बाद बच्चा आया है? 12 साल। 12 साल तब से कोई बच्चा नहीं आया है। बच्ची ऑलरेडी थी। वो कितने साल की है? 6 साल की। शादी के 12 साल बाद आज आपको बेटे की प्राप्ति हुई है। आपका केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था, है ना? पेन शुरू हो गया था, लीकिंग शुरू हो गई थी। तो कैसे हुआ आपका जावित्री में आप कैसे आए और जावित्री में आपकी जर्नी कैसी रही, ये बताइए। अच्छी रही मैम, मेरे कुछ और परिचित लोग इसके पहले आ चुके थे। अच्छा, इसलिए आप आए। लोगों के सजेशन पे। ओके जी। तो जब यहाँ आप एडमिट हुए तो इतना छोटा बच्चा था, डॉक्टर साहब इसका क्या वजन था? जब मैं बॉर्न हुआ था बेबी 1350 ग्राम का था। 1350 ग्राम का बच्चा था। देखिए 1350 ग्राम तो काफी कम होता है, कम से कम 2 किलो का तो बच्चा होना चाहिए, पर 1350 ग्राम का बच्चा आप लेके जा रहे हैं, बहुत खुशी है। आज इस बच्चे का वजन कितना है? आज मैं 1380 ग्राम। चलिए, तो वजन इसका 30 ग्राम बढ़ा है। कितने दिन रहा है यहाँ पे डॉक्टर? ये एक महीने आपका बच्चा यहाँ रहा। कभी कभी मन में आपको कुछ डर लगता था, ऐसा रात को लगता था कि पता नहीं बच्चा कैसा होगा? आप भेजती थी अपना, तो कैसा लगता था? लेकिन ये आप लोगों पर हमको इतना विश्वास था, हम ऐसे संस्थान में आए हैं जहाँ हमको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, देखिए आए हमने तो इलाज से बच्चा किया। डिलीवरी किसने कराई? डॉक्टर निहारिका ने। जी जी। उनका ऑपरेशन आपको कैसा लगा? बढ़िया रहा। आप बताइए मुझे कि इतने दिन, 1 महीने आपका बच्चा नर्सरी में रहा, इस 1 महीने के दौरान आपको यहाँ के डॉक्टर का कॉन्फिडेंस, उनका इलाज, उनका व्यवहार, यहाँ के स्टाफ का कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा रहा। और मैं वो धन्यवाद देता हूँ आपको, निहारिका जी को, लावण्या जी को और डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मसूदता को। जी जी सर, बहुत अच्छा व्यवहार रहा और सारी चीज़ों डॉक्टर साहब ने हम लोग बहुत अच्छे से आपको डेली डॉक्टर साहब बुला के रोज सुबह समझाते थे पूरा कि क्या है कंडीशन, और ये बताते थे कि डरने की बात नहीं है। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस देते थे। तो मैं आपको सुबह एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब। इस दौरान 1 महीने में कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा बच्चा बहुत लो हो गया है, कहीं हम सुबह क्या जब बताएंगे मरीज के फादर को, बच्चे के फादर को बताएंगे, क्या बताएंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशन इस दौरान में इस बच्चे को कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए कभी? जी मैम, जब मेरी बॉर्न हुआ था तो फिजिकली मेरी क्वाइट स्टेबल था फर्स्ट डिलीवरी के बाद, बट फिर 24 आवर्स के बाद बेबी ने थोड़ा सा फीड इंटॉलरेंस के साइन शो किया, थोड़ा सा स्लगिश हो गया था, काफ़ी लिथार्जी हो गया था, एंड आपको काफ़ी आइनोट्रॉप्स वगैरह भी लेना पड़ा था, बेबी को एंटीबायोटिक्स अपग्रेड करनी पड़ी थी, फिर बहुत दिनों तक बेबी खाली पेट था, फिर इवेंचुअली जब बेबी ने थोड़ा सा अपनी शो करी, बीच में एक ऐसा फेज आया था कि बेबी काफ़ी लो स्टेज पर पहुँच गया, ऐसा लग रहा था कि माइंड और सीरियस हो जाएगा, वेंटिलेटर पर चले जाएगा, कुछ बीमारी डेवलप हो सकती है। इवेंचुअली फिर बेबी ने रिस्पॉन्स शो किया एंड बेबी स्टार्ट गेनिंग वेट आल्सो एंड क्वालिटी इंक्रीज एंड इवेंचुअली बट मरीज का कॉन्फिडेंस आपके प्रति कभी कम नहीं हुआ, तो बड़े खुशी की बात है। ये बच्चा क्योंकि पानी चल पड़ा था इसलिए ये बच्चा इतने कॉम्प्लिकेशन में गया, इतनी सारी परेशानियां हुई। नॉर्मली बच्चे पानी नहीं चलना चाहिए, पर क्योंकि पानी चल पड़ा था और टाइम से बहुत छोटा था बच्चा, इसलिए सब परेशानी। और आश्चर्य की बात है वो दवाइयाँ इसको दी गई हैं, डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं कि आइनोट्रॉप्स दिए गए, और आइनोट्रॉप्स वो होते हैं जब हम बड़े मरीज को भी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे देते हैं, जब मरीज का ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाता है, पल्स बहुत वीक हो जाती है, तब हम उसको प्रेशर की सपोर्ट की दवाइयाँ देते हैं, और वो दवाइयाँ इसको दी गई हैं। उसके बाद ये बच्चा आगे खींचा है। और मेरे कितने दिन तक इसने दूध नहीं लिया? कुछ अराउंड ये रहा है 4-5 to 7 days। बताइए 7 दिन इस बच्चे को कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि बच्चे की आँख भी बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, उसके ब्लड प्रेशर को, उसके फेफड़ों को, उसकी आँख को, ये सब चीज़ें देखते हुए बहुत हर लेवल पे, हर सिस्टम में एक कॉम्प्लिकेशन होते हुए भी बहुत अच्छी तरह से मेरे ख्याल से मैनेज किया गया है। और आज आपके चेहरे की खुशी हमें देख के लगता है कि आपको अपना सब कुछ आज मिल गया है, आज इतने दिनों की तपस्या पूरी हुई है और आज आपको अपना बेटा मिल गया है। आपने इसका कुछ नाम सोचा है? अरे बढ़िया, जय श्री राम, जय श्री राम, चलिए वेरी गुड।
कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें ताकि हर सुने घर आंगन में गूंजे खुशियों की किलकारी। धन्यवाद।